मतलब अल्लाह की किस किस नेमतों को झुटलाओगे? आपको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आपको सारी चीज अल्लाह ने दी है, तो आप मतलब अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? नबिया अल्लाह की मम्मा को देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, माशाल्लाह नूर ही नूर है मम्मा के चेहरे पे। वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब डेली व्लॉग एंड अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोगों की सुबह हो चुकी है और बस अब हम लोग जो है सब नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे और हरम के लिए निकलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को कल का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और काफ़ी सारे लोग बार बार महरम महरम कॉमेंट्स में महरम कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपका महरम हो, लेकिन हमारे साथ हमारा महरम मौजूद था, जो कि मैंने व्लॉग भी बनाया, जबकि नहीं ज़रूरी है ये चीज़, लेकिन फिर भी वो थे क्योंकि मेरे मामू इधर ही होते हैं और आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और हम लोग यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर मतलब कल मैं इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ कर पाई थी वो इसलिए क्योंकि कल हमारा उमरा था, फर्स्ट उमरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डन करा है, और नबिया ने भी, पलवशा ने भी, अलीशा ने भी, मामा ने भी, हम सब ने और साथ में मामा ने भी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और उमरा करते हुए तो बिल्कुल भी मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो माहौल होता है ना, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ बाद में शेयर करूँगी कि बस रूह कांप जाती है बहुत ज़्यादा। तो खैर अभी हम लोग रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और आज मैं काबे के करीब जाऊंगी और काबे को जाके हाथ लगाऊंगी, काबे को चूमूंगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काबे को चूमने के लिए। खैर बस रेडी होते हैं और उसके बाद निकलते हैं। अप्पा दे दो एक अप्पा दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मम्मी को अप्पा दे दो जल्दी से, मम्मी जा रही है। जूजू तो भाई ये वाला हमारा कमरा है, हमारा भी एक और बेड यहाँ पे लग जाएगा। अब हम रेडी हो चुके हैं हरम जाने के लिए और अब हम लोग हरम जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हम नमाज कर पढ़ेंगे असर की वहीं पर ही जा रहे हैं, और फिर उसके बाद वहीं पर हम लोग रहेंगे, रोजा भी नहीं करेंगे और हम लोग डायरेक्ट रात में आएंगे। तकरीबन सारी तरावियाँ वगैरह सब कुछ पढ़ कर हम लोग आएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी निकल रहे हैं बस, चलो चलो यार चलो। रात में ठंड लग रही थी, अल्लाह माफ करे। अब मैं सोच रही हूँ एसी बिल्कुल ऐसे मर जाएंगे हम लोग तो। मेरे ऊपर रखा कर कितनी बहुत गर्मी लगती है सच में, मैं एसी के बगैर रहा नहीं जाता, मुझे घुटन होती है बहुत ज्यादा, यहां घुटन लग गया, यहां ज्यादा है इसमें ज्यादा है। नहीं बेटा मैंने तार लगा हुआ चार्जिंग के लिए, मुझे जहाँ चार्जर होगा वो कंपनी की बाहर सो जाती हूं। बेड लग रहा है ना वहाँ पे, अम्मा को वहाँ लिटा देंगे तुम यहाँ, वहाँ पे भी एक और बेड लगेगा जहाँ पे उस कमरे जैसा सिस्टम ही होगा वहाँ पे। और मैं बताऊँ आप लोगों को, हम लोग बाहर निकले और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और आज बहुत ज्यादा गर्मी है और आज हम तो आप लोगों को बताऊँ कि अब हम लोग यार अरिशा तुम्हें पता है ये कौन सा है रोड? ये बस ये वो है हमारा होटल जो है वो है। माशाल्लाह की मम्मा को देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, माशाल्लाह नूर ही नूर है मम्मा के चेहरे पे। अब हम लोग जा रहे हैं पलवशा, सबसे पहले तो मेरे लिए सिम लेनी है, मैं बिना सिम के नहीं रह सकती। सिम 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 उल्टे पाँव में हद से ज़्यादा दर्द है, हद से ज़्यादा, मतलब मैं नहीं शेयर कर सकती। मम्मा यहाँ पे आके आपको किसकी याद आ रही है ज़्यादा? तो किसी की भी याद नहीं, किसी की नहीं आ रही ना, मुझे भी किसी की याद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? दिल चाह रहा है कि जितनी हो सके इबादत करें और कुछ नहीं। मैं तो कह रही हूँ कल से हम, बल्कि अभी फजर में तवाफ करके पूरा, फिर उसके बाद थोड़ी देर सोने आएंगे, फिर पलट जाएंगे दोबारा। सही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जितनी हमारा हरम में टाइम गुजरे ना। पर वैसे तो मैं किसकी याद आ रही है? अल्लाह की। हाँ ना, किसी की भी याद नहीं आ रही। नबिया तुम्हें किसकी याद आ रही है? जू की। यहाँ पे आके तो हालात की भी इतनी याद नहीं आती यार। बात सही है बट याद तो अब जाते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम को छोड़ा है, साथ होता तो और अच्छा होता, वो मेरे साथ उमरा कर लेता, मैं उसको उमरा करवा देती, लेकिन बस मेरी मजबूरी थी कि मैं उसको लेकर नहीं आई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर लेकर आऊँगा।
हाँ ये तो है, पूरी दुनिया में मस्त ऋषि घूम रही है। ऋषि बोल रही आराम आराम से आओ, मैं आ गई हूँ। मैं क्या है, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मुझे सबसे पहले सिम लेनी है क्योंकि मैं नबिया के हॉटस्पॉट चला रही हूँ, कभी परवशा का चला रही हूँ, कभी किसी का चला रही हूँ, परेशान हो गई हूँ, तो सबसे पहले सिम लेनी है मुझे अभी फिलहाल। और हम लोग खाने का पा के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। हाँ बात सुनो, ये वाली जगह पूरी खाली है, यहाँ आ जाओ, ये भर जाएगी। हम लोग यहाँ बैठ जाएंगे खाने काबा के बिल्कुल सामने। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा रोज़ा खुल गया है। पकड़ना ना भैया, मतलब अल्लाह की किस किस नेमतों को जुटलाओगे। आपको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आपको सारी चीज अल्लाह ने दी है, तो आप मतलब अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे नबिया, है ना। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो मेरा दिल ऐसा देख के वो हो रहा है कि हमारे पास हाथ भी हैं, हमारे पास पैर भी हैं, उसके बावजूद हम इबादत नहीं करते। यहाँ पे आके जो रूह और रोंटे खड़े हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ, उसके बाद फिर हम सबको बार बार यहाँ आना नसीब फरमाना। हम अंकल व्हील चेयर ले लेते हैं। अल्लाह जितने लोग देख रहे हैं अल्लाह उन सब की जाए दुआएं पूरी कर दे, अल्लाह उनको पांच वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह उनके दिल में दीन भर दे, अल्लाह उनके साथ साथ मुसलमान मेरे दिल में दीन भर दे, अल्लाह सबकी जायज मुरादें पूरी कर, अल्लाह सबकी जायज मुरादें पूरी कर। जो लड़कियां घर बैठी हुई अल्लाह उनके नसीब खोल दे, अल्लाह उनके नसीब खोल दे, अल्लाह जिनकी माएँ बीमार हैं उनको शफा दे, उनके माँ बाप का साया उनके सर पे रख, अल्लाह जिनकी माएँ बीमार हैं उनको शफा दे। तो आप लोगों को बताऊं कि नबिया ऋषि और परवशा लोग हमसे मिस हो गए थे, तो मैंने मम्मा को कहा कि आज सबको छोड़ देते हैं, आज से हम इबादत करते हैं, उन लोगों को हम बाद में ढूंढ लेंगे। खैर मैं इतना ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उन लोगों की तो फिजिकल सिम उन लोगों ने ले ली थी, मैं किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रही थी, मुझे ई सिम मिल ही नहीं रही थी। अब मैं एसटीसी के इधर एसटीसी आई हूँ, ये एसटीसी जो है ना बिल्कुल मैकडोनल्ड्स की लाइन में बना हुआ है। अगर आप लोगों को सिम लेनी है ना ई सिम, जिसका ई सिम वाला फ़ोन है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस से मिलेगी, आपको बाहर वगैरह किसी भी शॉप से नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑफिस से मिलेगी। और आपको उसके लिए वीज़ा होना ज़रूरी है, लेकिन वीज़ा अगर आपके फ़ोन में होगा तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो फिजिकल वीज़ा मतलब हाथ में। सही बोल रहे फैन। तो मैं अभी यहाँ पे सिम लेने निकला हूँ, मेरी फाइनली सिम निकल जाएगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई हैं, इंशाल्लाह कल भी हम उमरा करेंगे। उससे पहले हमें मस्जिद आयशा जाना है, क्योंकि उमरा करने से पहले मस्जिद आयशा जाना ज़रूरी होता है। तो इसकी डिटेल्स मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मुझे जितना कुछ मालूम हो ना ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत अच्छा, अभी तक माशाल्लाह मैंने 3 सूरतें याद करी हैं यहाँ पर, और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि अल्लाह पाक बस 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 मेरे दिल में ना दुनियावी चीज़ें हटा के ना दीनी चीज़ें डाल दें। आमीन 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 सुम आमीन। ब्लॉग द
बना रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है बस मैं इबादत पे ज़्यादा फोकस करूँ। और ऐसा ही है मेरा व्लॉग, इतना टुक 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 बना इबादत करते हुए, तो मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं निकालती। और आज पूरा दिन मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी पूरा दिन फ़ोन यूज़ नहीं किया। फाइनली मैंने सिम निकलवा ली और मम्मा ना मुझे बड़े ताने मार रही थी कि तुमने तो सिम ले लो कि सबसे हॉटस्पॉट भी ले रही हूँ, मेरा नेट ही चल रहा, घर में किसी से बात नहीं हो रही। और वाकई में हम दो दिन से आए, हम इतना बिजी हैं, कोई बात नहीं हो रही। सारी अपडेट्स अगर मिल रही होगी तो वो व्लॉग से मिल रही होगी, क्योंकि मैं खावर को सेंड कर देती हूँ रात में, तो वो दल गया था तो उससे अपडेट मिल गई थी सबको। बाकी बात ही नहीं हो रही क्योंकि नेट नहीं था, और मैंने व्लॉग भी जैसे जैसे करके सेंड कर दिया था। तो खैर अब मम्मा की सिम ले दी है, 15 GB वाला पैकेज मैंने अपना 70 GB वाला करवाया, मम्मा का 15 GB वाला नेट हमने ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ट्रैवल जो है ओएस ट्रैवल एंड टूर्स वालों की तरफ से है, मतलब इतना करीब हमारा होटल करवाया ओएस भाई ने, मतलब 10 मिनट के फासले पर भी नहीं है। हम पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और कमरा भी इतना अच्छा है, मतलब हम 5 लड़कियाँ लेकिन बहुत कम्फर्टेबल वाला सीन है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, पाकी ना पाकी का, वरना इंसान को बहुत होता है वॉशरूम की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा सीन है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को भी उम्रे पे जाना है या मतलब किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उवेज भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा, आपके टिकट्स आराम से हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्टेड एजेंसी है। मुझे लगता है आजकल लोग पैसे खाकर भाग जाते हैं और ट्रस्ट किसी पर भी आप नहीं कर सकते। तो ओएस भाई की सारी डिटेल आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें डाल दूँगी। खैर अभी हम जा रहे हैं और यहाँ पे क्या ही दूसरे ममालिक खूबसूरत होंगे जो यहाँ की खूबसूरती है। मम्मा को जब से पैकेज कराया है, मम्मा तो घर में शुरू ही हो गई हैं। एक मिनट रुक जा बिट्टू, अक्का की जिंदगी, अक्का का छपकच, मेरा बेटा गुग्गू, मेरा गुग्गू, मेरी जिंदगी, मेरा छपकच, कैसे हो रहा है। और हम लोग जो है अब इन लोगों से बातें कर रहे हैं, और अभी मैं चाय लूँगी, चाय लेके फिर बताती हूँ। यार यहाँ की शॉप्स इतनी अच्छी अच्छी हैं, मैंने सोचा यहाँ से एक जानमाज लेनी है जिसके पीछे ना आप टेक लगा सकते हो, तो वो वाली जानमाज लूँगी। मेरा व्लॉग बंद हो गया था, पता नहीं बना है नहीं बना। पाकिस्तान मेरी बेटी लेके पाकिस्तान, ओके पाकिस्तान से, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से, हम आना पाकिस्तान कश्मीर का, यहाँ पे पाकिस्तान, ओके। एंड दिस इसका बताएं, इसका मुझे ये खाना सुना, $6 में कितना है? 1 किलो नहीं चाहिए, ओनली 2 to 3 कितना? Your mother? This, yeah. She's my mother and she's so sweet. ऐसे कैसा दिखा? Famous. Familiar. Yeah. Understand? Saudi. Do you speak English or Arabic? Arabic. Arabic? You talk to him in Arabic. Where are you from? Bangladesh. Are you from Bangladesh? Yes. Okay. कहाँ रहते? Saudi. Saudi. Kalamari, Arabic. Okay, so... Please discounted. Okay. Okay. Two real. Three real. I want. Okay. How much for all? अम्मा ही पकड़े हैं. क्या क्या लेना है दुआ? बस करो ना. अच्छा वो जो खजूर होती है जिसमें बादाम होता है वो कहाँ है? ये वाली है. कितने की है? कितने की है ये वाली? हाँ तो भाई मैंने ले लिए हैं फ्रूट्स, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने का दिल चाह रहा था, बहुत बहुत बहुत, और बनाना खाने का भी दिल चाह रहा था। और पता है हम इफ्तारी कैसे कर रहे थे? हम वहाँ पे बैठ जाते थे तो दो इफ्तारी ला के दे रहे थे, हम वही खाते थे। लेकिन कल मामा ने जो खाना दिलाया था वो बहुत सारा था, बच गया था रात में, सब लड़कियों ने भी टेस्ट किया, सब ने खाया भी, मैंने भी खाया, फिर भी बच गया था। फिर वो मैंने
रख लिया था फ्रिज में, फिर वो मैंने निकाला और मैं साथ ले गई, और मैंने रोजे में भी वही खाया और रात में भी वही खाया। देखा इंटेलिजेंट ना। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड लेने के लिए आए हैं और अभी देखते हैं। और एक जो है ना दाल कर दे, चने की दाल, और दो रोटियाँ कर दे, और चावल कितने के आएंगे? वाइट वाले और वाइट चावल भी कर दे। सो मेरा खाना आ रहा है यहाँ से अभी। आर यू मुस्लिम? नो नो। आर यू मुस्लिम? ओके ओके। व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? महादेश। महादेश एंड यू फ्रॉम? पाकिस्तान। पाकिस्तान से अंकल तो बाप रे बाप। पाकिस्तान आपको बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुसलमान जिंदाबाद, बेशक बेशक बेशक। और ये हमने इतना सारा खाना ले लिया, हमने सभी के लिए ले लिया, मैंने कहा हम सब मिलके तैयारी कर लेंगे तो चलो सबके लिए ले लेती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना लिया और पेट भर के हम लोग खाएंगे। बहुत भूख लग रही है, बहुत तो नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी लग रही, बट मुझे तो फ्रूट्स खाने यार। हमने राइट साइड की तरफ जाना है यार, हमारा होटल इतना बुरा नहीं है, वैसे अच्छा है। यहाँ से राइट साइड, हाँ यहाँ। So guys, हम लोग निकल रहे हैं, ये लोग आ गए थे, ये लोग बाहर थे। तुम लोग बाहर कहाँ थे? यार हम लोग खाना खाने गए थे, फिर जबल हदीद गए, वहाँ से जो दबाओ दबाओ दबाओ, चलो आओ जल्दी यार, 4:18 हो रहे हैं, हम जब तक नहीं मिलेगी पता है उसको बोलो। खैर मैं ये व्लॉग यहाँ पर, खाना उठाया खाना बैग में रख दिया, तो पानी की बोतलें वो बड़ी वाली को दी थी, नीचे से ले लेंगे यार, उसमें आप ही सबसे भरना था ना, रखी है मैंने। तो आप लोगों को बताऊं, ये लोग आ गई थी और हमें और मम्मा ने आग लगा ली थी। अब ये है कि हम लोग पहले सहरी करेंगे, सहरी करने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, सहरी भी करनी है, और उसके बाद हम लोग हरम जाने से। इस ब्लॉग को यहाँ एंड करें, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, बाकी लोग लगा प्रॉब्लम मिलेगा कि हम हरम में कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सारी अपडेट आप लोग को। आंटी इसको बंद करने का बटन दबाएं, लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल यार चल जा।